आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कौन नहीं जानता, और आज के वक्त में कंगना रनौत अपनी फिल्म और अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में कंगना ने अभी हाल ही में एक और बयान दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा विवादित है। उन्होंने इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बताते हुए देश का नाम ही बदलने का सुझाव दे दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, कंगना रनौत ने इंडिया नाम को जो है वो वेस्टर्न लोग यानी बाहरी लोगों की देन कही है। उसे इंडिया नाम को उन्होंने गुलामी का प्रतीक कहते हुए अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन दोनों पोस्ट पर। तो जैसे कि आपने देखा कि कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने हमें इंडिया नाम दे दिया जो कि गुलामी का प्रतीक है, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी का पूरब। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप अपने बच्चे को कभी भी दूसरा C-सेक्शन या फिर छोटी नाक बुलाएंगे, ये कैसा नाम हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत का मतलब मैं आपको बताती हूँ, भा मतलब भाव, राव मतलब राग, ता मतलब ताल। उन्होंने बताया कि ये हम थे गुलामी से पहले, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, और उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ साथ धरोहरों के भी नाम बदल दिए ताकि इस नाम से हम कभी भी छुटकारा ना पा सके। साथ उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले हम संस्कृति और कलाकृति के आगे में बहुत ही ज्यादा आगे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो इस चीज से अवगत थे, इस वजह से उन्होंने हमारे भारत को बदल कर नाम इंडिया दे दिया। तो आइए इस गुलामी के नाम को हटाकर एक नई शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत भारत से करते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक और पोस्ट जो है अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत तभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड का चीप रेप्लिका बना रहेगा। उन्होंने कहा भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी प्राचीन आध्यात्मिकता और ज्ञान की जो जड़ें हैं उसको मजबूत रखेगा, क्योंकि यही हमारे महान सिविलाइजेशन का एक अंग है। साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, तो जब बाहर के देश हमारी तरफ देखेंगे तो हम एक विश्व नेता के तौर पर उभर कर निकलेंगे। साथ ही उन्होंने वेद, योग और गीता पर टिके रहते हुए इंडिया का नाम बदल कर भारत रखने की मांग की है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जो कंगना इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रही है। कंगना आए दिन जो है अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं। वो बहुत सारे जो है राजनीतिक मुद्दे कहिए, सोशल मुद्दे कहिए, उसको लेकर बेबाकी से बात करते हुए नजर आती है। ऐसे में उन्होंने जो है ट्विटर पर भी बहुत दिन पहले एक ऐसा ट्वीट किया था जिसकी वजह से उन्हें ट्विटर अकाउंट जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन ऐप कू पर शिफ्ट कर गई, और वहाँ पर वो कू ऐप पर भी अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। ऐसे में उन्होंने ये जो उनका कंसेप्ट था कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहिए, उन्होंने कू ऐप पर भी साझा किया, और उसके बाद उन्होंने उसकी जो एक कह सकते हैं कि वापस उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी इसको पोस्ट किया, और मतलब जो है डिमांड किया, उन्होंने अपील की कि इंडिया का नाम बदल कर भारत रखना चाहिए ताकि यहाँ से जो है एक शुरुआत हो, एक अच्छी शुरुआत हो। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंगना रनौत आए दिन एक बड़ा जो है विवादित बयान देते हुए नजर आती हैं। जैसे अभी देख लीजिए, एक देश के नाम को ही उन्होंने गुलामी का प्रतीक बता दिया। तो ऐसे में कंगना जो है इस तरीके के बयान देते हुए नजर ही आती रहती हैं। इसी के साथ अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत की आने वाली मूवी तलाईवी होने वाली है, जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक होने वाली है। इसी के साथ वो और भी बहुत सारी मूवीज जैसे धाकड़ और तेजस में भी काम करते नजर आएंगे। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।